हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट से 22,000 शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी की नौकरी नहीं जाएगी, इसमें 22,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। दरअसल बीएड व डीएलएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया था, जिसे अब वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बीएड और डीएलएड विवाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण आवेदन पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने स्पष्ट किया है कि यह स्पष्टीकरण एक रिव्यू है और इसमें जो स्पष्ट करना चाहते हैं वह पूरे भारत में लागू होगा, न कि किसी एक राज्य में। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में बीएड शामिल था और उस आधार पर जो नियुक्ति शिक्षक नियमित नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले पा चुके हैं उनको हम हटाने के पक्ष में नहीं है। उनको उनके विज्ञापन में बीएड शामिल होने की शर्त पर इक्विटी दी जाएगी, इक्विटी जो है उनको दी जाएगी, क्योंकि वो 11 अगस्त 2000 पहले नौकरी पा चुके हैं और उनके विज्ञापन में बीएड शामिल था, तो इसलिए उनको नहीं निकाला जाएगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी विज्ञापन की सूचना में 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री की कोई योग्यता के रूप में स्थापित किया गया है तो उनकी नौकरी को हम सुरक्षित करते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि कहीं कभी विज्ञापन हो, उस विज्ञापन में अगर बीएड डिग्री को शामिल किया गया है 1 to 5 में तो उनकी नौकरी सुरक्षित है। लेकिन कोई राज्य जिसके विज्ञापन में बीएड शामिल नहीं है और वहाँ बीएड योग्यताधारित छात्र कोर्ट से योग्यता को विज्ञापन में शामिल कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए हो अथवा विज्ञापन में बीएड को शामिल करवाए बिना इस शर्त के साथ नियुक्त हुए हैं कि उनके द्वारा किए गए केस जिससे उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उनकी नियुक्ति उस केस के अंतिम निर्णय से प्रभावित रहेगी, तब उनकी नियुक्ति जो है अवैध होगी। तो जहाँ के भी विज्ञापन में बीएड शामिल था तो उनकी नौकरी सुरक्षित है, जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।